इस बार 2014 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए बड़े मंथन के बाद बीजेपी ने शनिवार की शाम लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है। पार्टी ने उन्हें लगातार तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया। कंवर गुजर बिरादरी से आते हैं। वहीं लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर टिकट मिलने के बाद अमरोहा पहुंचे। अमरोहा पहुंचते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिले में कई जगह पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी प्रत्याशी अपने फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है, वह उनके भरोसे को नहीं टूटने देंगे। इस बार अमरोहा में बीजेपी का परचम लहराएगा। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। दरअसल बीजेपी ने अमरोहा लोकसभा से तीसरी बार चौधरी कंवर सिंह तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीसरी बार मौका दिया है तो पार्टी का बहुत बहुत मीटिंग और उनको धन्यवाद देता हूँ। अमरोहा की जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे को जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे को मौका दिया है, मेरे माने पूरी टीम ने जो ये मेरे को दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं तो ये अमरोहा की जनता को बार बार धन्यवाद देता हूँ। उनकी मेहरबानी से ये दोबारा मेरे को मौका मिला है। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी का जो विजन है, जो देश का विकसित करने का, देश को आगे बढ़ाने का, हम उसी लाइन में हम चल रहे हैं। आपको बता दें कि चौधरी कंवर सिंह तंवर 2014 में बीजेपी से अमरोहा के सांसद बने थे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली ने 2019 में उन्हें 63,000 वोटों से पराजित कर जीत दर्ज की थी। अब फिर से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चौधरी कंवर सिंह तंवर को अमरोहा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। दरअसल मूल रूप से दिल्ली में जन्मे चौधरी कंवर सिंह तंवर रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। करीब 20 साल से वे गढ़मुक्तेश्वर अमरोहा लोकसभा सीट से राजनीति के साथ ही समाज सेवा कर रहे हैं। 2014 में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधी परामर्शदात्री समिति, ग्रामीण विकास पंचायती राज और पेयजल के साथ साथ राज्य स्वच्छता मंत्रालय संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे हैं। वहीं उन्हें 2019 में फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया था, हालांकि बसपा प्रत्याशी कुंवर दानिश अली ने उन्हें हरा दिया था, जिसके बाद भी वो हार नहीं माने थे और समाज सेवा अपने इलाके में करते रहे थे। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और उन पर अपना भरोसा जताया, जिसके लिए बीजेपी को चौधरी कंवर सिंह तंवर ने धन्यवाद कहा।